गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर का एक टॉपिक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। जो भी स्टूडेंट SBT बिहार के हैं वो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके सिलेबस के हिसाब से इस पर ढेर सारी वीडियोज़ आपको अपलोडेड मिलेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा वालों के लिए, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट किसको कहते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में दो शब्द है, एक है प्रोजेक्शन और एक है पॉइंट। प्रोजेक्शन क्या होता है, तो आपको ये पता है कि मान लीजिए यही पेन आपका एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो आपको अगर इसको देखिएगा तो देखने का तीन तरीका होता है। सामने से देखते हैं तो फ्रंट व्यू, ऊपर से देखते हैं तो टॉप व्यू, और साइड से देखते हैं तो साइड व्यू। आप सामने से अगर इस ऑब्जेक्ट को देखिएगा तो इसका जो ज्योमेट्रिकल साइडो है वो एक प्लेन पर बनता है, जिसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। अगर आप इसको ऊपर से देखिएगा तो इसका जो ज्योमेट्रिकल साइडो है जिस प्लेन पर बनता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। और अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर आप साइड से देखिएगा तो इसका जो ज्योमेट्रिकल साइडो है वो बनता है एक प्रोफाइल प्लेन पर, जो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। चलिए, तो आपको ये पता चल गया इस ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का तीन ज्योमेट्रिकल साइडो है, एक है फ्रंट व्यू, एक है टॉप व्यू और एक है साइड व्यू। तो ये तीन ज्योमेट्रिकल साइडो जो हैं वो तीन डिफरेंट प्लेन्स पर बन रहे हैं, लेकिन ब्लैकबोर्ड पर तो एक ही प्लेन है। तो भाई, कोई एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिसके द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट के तीन ज्योमेट्रिकल साइडो, दैट इज फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, जो तीन अलग अलग प्लेन पर ऑब्जेक्ट प्राप्त हो रहे हैं उनको एक ही प्लेन पर बना ले। इसी मेथड को हम बोलते हैं प्रोजेक्शंस। अब देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो एक रूल बना दिया कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर प्रोजेक्शंस बनाना है तो आप क्या कीजिएगा। ये आपका हो गया भाई वर्टिकल प्लेन, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा प्लेन मानिए जो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन। इधर बनेगा फ्रंट व्यू, इधर बनेगा टॉप व्यू और इधर क्या बनेगा, साइड व्यू। अगर आपको ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाना है, मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, जो तीन अलग अलग प्लेन पर बन रहा है उसको एक ही प्लेन पर अगर बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, वर्टिकल प्लेन को फिक्स रखिएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कीजिएगा, और ये आपका जो प्रोफाइल प्लेन है इसको वर्टिकल प्लेन से दूर खोलिएगा। तो देखिए, ये तीनों VP, PP, प्रोफाइल प्लेन और HP तीनों क्या हो गया, एक ही प्लेन पर लाई कर गया। ये जो लाइन है जो आपके VP और HP को बांट रहा है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं रेफरेंस लाइन। चलिए, अब देखिए प्रोजेक्शंस का कुछ बेसिक पॉइंट आपको हम बता दिए कि भाई प्रोजेक्शन क्या है। तो भाई, एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू को एक ही प्लेन पर बना सकते हैं। आपको हमारा जो टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, पॉइंट क्या है तो सब लोग जानते हैं भाई, ऐसा कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका डायमेंशन जीरो के सबसे नज़दीक वाले वैल्यू तक पहुंच जाएगा तो वो ज्योमेट्रिकल फिगर पॉइंट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, इसका डायमेंशन इसका रेडियस है, अगर रेडियस एक ऐसे वैल्यू तक पहुंच जाए जो जीरो के सबसे नज़दीक है तो यही सर्कल क्या बन जाएगा, आपका एक पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमको ध्यान में ये रखना बच्चों कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाना है तो सबसे पहला काम क्या है, आपको ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट हमारे 3D स्पेस में कहाँ पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आप क्या कीजिएगा, अपने 3D स्पेस को दो परपेंडिकुलर प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की मदद से 4 क्वाड्रेंट में बांटिएगा। बिल्कुल कुछ इस प्रकार से, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, और ये जो पॉइंट है इससे एक लाइन पास हो रहा है जो ब्लैकबोर्ड के अंदर जा रहा है, एक ऐसा इमेजनरी लाइन पास हो रहा है जो VP और HP को बांट देता है। इसी इमेजनरी लाइन को हम कहते हैं रेफरेंस लाइन। चलिए, तो सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट का अगर आपको प्रोजेक्शन बनाना है तो उसके लोकेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिफाइन करने के लिए आप क्या कीजिएगा, अपने 3D स्पेस को दो परपेंडिकुलर प्लेन की मदद से VP और HP की मदद से 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं। सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट यदि HP के ऊपर होगा, VP के सामने होगा, अभव HP इन फ्रंट VP, तो ऑब्जेक्ट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जिस मेथड से आप प्रोजेक्शन बनाइएगा उसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट HP के ऊपर है, VP के बिहाइंड है, तो जिस मेथड से, तो ऑब्जेक्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जिस मेथड से प्रोजेक्शन बनाइएगा उसको बोलेंगे सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट HP के बिलो है,
बीपी के बिहाइंड है, पीछे है, तो ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जिस मेथड से प्रोजेक्शन बनता है उसको बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एचपी के बिलो है, बीपी के इन फ्रंट है, तो ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया। जिस मेथड से आप प्रोजेक्शन बनाते हैं उसको बोलते हैं फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड। अब देखिए, फर्स्ट एंगल में हम क्या करते हैं, सेकंड एंगल में हम क्या करेंगे, थर्ड एंगल में हम क्या करेंगे, फोर्थ एंगल में हम क्या करेंगे, इस बात को हम लोग देखेंगे। देखिए, ये आपका भाई हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका हो गया वर्टिकल प्लेन। यहाँ पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन। एक्स वन मतलब वीपी से दूरी, वाई वन मतलब एचपी से दूरी। मतलब ये पॉइंट ए जो है ये वाई वन सेंटीमीटर मान लेते हैं, y1 सेंटीमीटर एबव एचपी, x1 सेंटीमीटर इन फ्रंट वीपी। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चलिए, अब प्रोजेक्शन बनाना मतलब इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और एक साइड व्यू बनाना है। तो पहले फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनेगा, उसके बाद लास्ट में साइड व्यू बनेगा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के इंटरसेक्शन से। कैसे बनेगा इसको आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो यहां से अगर देखते हैं तो इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू, यहां से देखते हैं तो भाई बोलते हैं टॉप व्यू। तो इस पॉइंट ए का जो इमेज होगा यहां बनेगा, फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर बनता, अभी बताए थे आपको। इस पॉइंट का जो टॉप व्यू होगा वो यहां पर बनेगा, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। चलिए, आप ध्यान दीजिए, इसको जब सामने से देखें, ये पॉइंट ए है, तो इसका जो इमेज है वर्टिकल प्लेन पे यहाँ बना। इमेज मतलब व्यू को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ये कौन सा व्यू है, तो ये फ्रंट व्यू है, इसलिए इसमें डैश लगेगा। चलिए, इसको ऊपर से देखेंगे, इसका जो टॉप व्यू है, इसका जो इमेज है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यहाँ पर बनेगा। चलिए, व्यू है, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, टॉप व्यू में कभी भी डैश नहीं लगता है। ये तो बन गया भाई, ये तो थ्री डायमेंशनल स्पेस का बात करें। कॉपी पर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको बता चुके हैं, कॉपी पर बनाने के लिए नियम क्या है भाई, एचपी को रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो जब एचपी को हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो ये पूरा प्लेन रोटेट होके यहाँ पर आ जाएगा। ये जो एचपी यहाँ था, ये जो एचपी पहले यहाँ था, अब हमारा एचपी यहाँ आ गया। और जब ये पूरा प्लेन रोटेट होके यहाँ पर आ गया, तो ये पॉइंट भी जो है ये भी तो रोटेट होके यहाँ पर आ गया। ये पॉइंट का नाम ए है, तो ये पॉइंट का भी नाम ए हो गया। अच्छा, ये डिस्टेंस y1 है, तो ये डिस्टेंस भी y1 हो गया, और ये डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस रोटेट हुआ, तो सर्कल में रेडियस सेम होता है, तो ये डिस्टेंस भी x1 हो गया। अभी हम प्रोजेक्शन बनाएंगे नहीं, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। चलिए, तो आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप देख रहे हैं वर्टिकल प्लेन, ये अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन जा रहा है जिसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वर्टिकल प्लेन हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट करने के बाद रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाता है। मतलब वर्टिकल प्लेन हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा रेफरेंस लाइन के नीचे। दूसरी बात, वर्टिकल प्लेन पर कौन सा इमेज बनता है, वर्टिकल प्लेन पर बनता है फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर, टॉप व्यू हमेशा नीचे। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है टॉप व्यू, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे तो टॉप व्यू भी ऑब्जेक्ट का नीचे बनेगा। तीसरा बात, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर आपका ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, तो ये हमको बताइए, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर, और जिस प्लेन पर प्रोजेक्शन बनता है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमको ये बताइए, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, तो क्या ऑब्जेक्ट जो है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए, एक दो तीन, एक बात और, अगर ये प्लेन ऐसे रोटेट करता एंटी क्लॉकवाइज तो क्वाड्रेंट बंद हो जाता,
और प्लेन कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, इसलिए क्वाड्रेंट क्या हो रहा है, खुल रहा है। तो आप यहां पर लिखिएगा क्वाड्रेंट ओपन। चलिए इन सारे बातों को नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सारे बातों को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आ जाएंगे अपना सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। चलिए सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम लोग देखेंगे कैसे प्रोजेक्शन को बनाएंगे। तो प्रोजेक्शन को बनाने से पहले कुछ की पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन करेंगे कि भाई की पॉइंट्स इसमें क्या क्या हो सकते हैं। चलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हो गया बिलो, ये हो गया सॉरी ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, इसको बोलते हैं एभव, इसको बोलते हैं बिहाइंड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब एभव एचपी हो, बिहाइंड वीपी हो, तो ऑब्जेक्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। जिस मेथड से प्रोजेक्शन बनाएंगे उसको बोलते हैं सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। मान लेते हैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है बी, इसका पोजिशन ले लेते एक्स टू y2, इसका मतलब हो गया कि ये डिस्टेंस जो है y2 है और ये जो डिस्टेंस है ये x2 है। मतलब ये पॉइंट का पोजीशन है y2 सेंटीमीटर एभव HP, y2 सेंटीमीटर एभव HP, x2 सेंटीमीटर बिहाइंड VP। आपको ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाना है, तो ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाना है तो चलिए फ्रंट व्यू इधर से देखिए, यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर यहाँ ले आइए, ये आपका टॉप व्यू हो गया, करेक्ट है। चलिए तो फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू हमेशा किस प्लेन पर बनता है, वर्टिकल प्लेन पर। यहाँ पर बन गया व्यू है, स्मॉल लेटर से लिखेंगे फ्रंट व्यू तो डैश लग गया। चलिए टॉप व्यू, टॉप व्यू हमेशा किस प्लेन पर बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। व्यू है तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, टॉप व्यू में कभी भी डैश नहीं लगता है। चलिए अब इस बी पॉइंट का इमेज यहाँ हो गया बी डैश, ये डिस्टेंस अगर y2 है तो ये डिस्टेंस भी y2 हो गया, ये डिस्टेंस x2 है तो ये डिस्टेंस भी x2 हो गया। ये तो भाई थ्री डायमेंशनल बात है। कॉपी पर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो कॉपी पर बनाने के लिए नियम क्या है, HP को रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो जब एचपी को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो एचपी रोटेट होके यहाँ आ जाएगा। तो एचपी जब रोटेट होके यहाँ आ जाएगा तो एचपी पहले यहाँ था, अब एचपी कहाँ आ जाएगा, एचपी बिल्कुल वीपी पर लाई करेगा। अब जब एचपी ऊपर रोटेट हो रहा है तो ये पॉइंट भी तो रोटेट होगा, तो ये पॉइंट भी रोटेट करके यहाँ आ जाएगा। ये अगर एक्स टू होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स टू। चलिए ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू। अगले क्लास में बताएंगे कि कैसे प्रोजेक्शंस को बनाएंगे, पहले बेसिक बात जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगर ये पॉइंट है मेरा, तो इस पॉइंट से जो इमेजनरी लाइन जा रहा है उसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के ऊपर वीपी है, रेफरेंस लाइन के ही ऊपर कौन है, एचपी है। तो पहला पॉइंट याद रखना है सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में, सेकेंड एंगल
प्रोजेक्शन में वीपी हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है और एचपी भी रोटेट करने के बाद रेफरेंस लाइन के ऊपर चला जाएगा। दूसरा बात यह ध्यान में रखना है, जब वीपी ऊपर है तो फ्रंट व्यू भी रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा और टॉप व्यू भी रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा। तीसरा बात यह ध्यान में रखना है, ये क्या है ऑब्जर्वर, ये क्या है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ये क्या है ऑब्जेक्ट। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में लाई करता है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। चलिए चौथा बात ये ध्यान में रखना है, फोर्थ पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जब एचपी को आप रोटेट किए तो ये क्वाड्रेंट बंद हो गया, क्वाड्रेंट सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में क्लोज होता है। वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शंस को कैसे बनाते हैं अगले वीडियोस में देखेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके इन की पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस मेथड की। चलिए ये हो गया एचपी, ये हो गया वीपी, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है मेरा सी, सॉरी यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है सी। तो ये बताइए जो सी ऑब्जेक्ट है एचपी के क्या है, बिलो है वीपी के क्या है, बिहाइंड है, मैंने कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब एचपी के बिलो होगा, नीचे होगा, वीपी के बिहाइंड होगा, पीछे होगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, मान लेते इसका कोऑर्डिनेट है एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हो गया ये वाई थ्री सेंटीमीटर बिलो एचपी हो गया और एक्स थ्री सेंटीमीटर बिहाइंड वीपी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट व्यू की और टॉप व्यू की। यहां से देखेंगे फ्रंट व्यू, ये आपका ऑब्जर्वर हो गया। अच्छा ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, इस पॉइंट का फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कहां बनेगा भाई, तो फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ही प्राप्त किया जाता है। व्यू है तो स्मॉल लेटर से लिखिएगा और फ्रंट व्यू में तो डैश लगेगा। टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्राप्त किया जाता है, इसका शैडो यहां बन जाएगा। व्यू है तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, टॉप व्यू में डैश लग जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। ये अगर वाई थ्री होगा भाई तो ये भी आपका वाई थ्री हो जाएगा, ये आपका एक्स थ्री होगा तो यहां पर भी ये डिस्टेंस एक्स थ्री हो जाएगा। कॉपी पर बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो अभी बताए थे एचपी को रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो एचपी जो पहले यहां हुआ करता था ये रोटेट होके कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा, तो जब HP रोटेट होके यहाँ आ गया, ये रेफरेंस पॉइंट है, इससे जो लाइन जाएगा वो रेफरेंस लाइन जाएगा, तो रेफरेंस लाइन के ऊपर HP और रेफरेंस लाइन के नीचे VP। तो जब HP ऊपर चला गया तो ये C पॉइंट भी तो HP पर था, ये भी रोटेट होके ऊपर चला जाएगा। ये अगर S3 था तो ये भी X3 हो जाएगा। प्रोजेक्शंस बाद में हम बनाएंगे इसका, अभी की पॉइंट्स कुछ नोट डाउन करेंगे। जब HP को रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री तो ये HP यहाँ चला गया, ये C पॉइंट HP पर था तो C पॉइंट भी रोटेट होकर यहाँ चला गया।
ये अगर x3 है तो ये भी x3 हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल चल रहा है, सर्कल में रेडियस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो अब पॉइंट नंबर फर्स्ट ये बताइए, इस पॉइंट से जो लाइन जा रहा है इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन के ऊपर एच पी है, रेफरेंस लाइन के नीचे वी पी है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में एच पी हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है और वी पी रेफरेंस लाइन के नीचे होता है। तो जब एच पी ऊपर है तो टॉप व्यू ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। चलिए ये बताइए, यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। चलिए आगे बढ़िए। अब ये बताइए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट एच पी यहाँ था, ये वीपी था, ये आपका क्वाड्रेंट था। तो रोटेट करने के बाद क्वाड्रेंट खुल रहा है कि क्वाड्रेंट बंद हो रहा है, निश्चित तौर पर क्वाड्रेंट खुल रहा है, क्वाड्रेंट ओपन्स। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करेंगे फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड का। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ये HP हो गया, ये VP हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट जब HP के बिलो है, VP के इन फ्रंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। जिस मेथड से प्रोजेक्शन बनता है उसको कहते हैं फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड। चलिए जैसे मान लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं D, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x4 y4। इसका मतलब ये x4 सेंटीमीटर इन फ्रंट VP है और y4 सेंटीमीटर बिलो HP। इसको सामने से देखते हैं, ये हो गया फ्रंट व्यू, ऊपर से देखेंगे ये हो गया टॉप व्यू। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा, फ्रंट व्यू कहाँ पर बनता है? फ्रंट व्यू हमेशा बनता है वर्टिकल प्लेन पर, व्यू है तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, फ्रंट व्यू है तो डैश लगेगा। टॉप व्यू कहाँ पर बनता है? टॉप व्यू बनता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, व्यू है तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, टॉप व्यू में कभी भी डैश नहीं लगेगा। चलिए कॉपी पर बनाने के लिए नियम क्या है? एचपी को रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो जब एचपी को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो एचपी यहाँ जाएगा, बिल्कुल वीपी पर एचपी लाई कर जाएगा। अच्छा, पहले एचपी यहाँ हुआ करता था, रोटेट करने के बाद एचपी यहाँ चला गया। अब हमको ये बताइए, जब ये पूरा प्लेन रोटेट करके यहाँ गया, तो ये पॉइंट भी तो रोटेट करके एचपी पर था, तो एचपी के साथ रोटेट कर गया। ये एक्स फोर था, ये भी क्या हो गया? एक्स फोर हो गया। चलिए तो कुल मिला के जो की पॉइंट्स इसमें हमको ध्यान में ये रखना है कि फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में अगर कोई पॉइंट लाई करता है, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में अगर कोई पॉइंट लाई करता है, तो आप देखिए ये पॉइंट है, इससे जो इमेजिनरी लाइन जाएगा इसको बोलता है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन के नीचे वीपी एचपी दोनों लाइन करता है, वीपी भी रेफरेंस लाइन के नीचे और एचपी भी रेफरेंस लाइन के नीचे। जब वीपी रेफरेंस लाइन के नीचे है तो फ्रंट व्यू भी रेफरेंस लाइन के नीचे, टॉप व्यू भी रेफरेंस लाइन के नीचे। ये बताए, अगर इधर ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ऑब्जेक्ट lies between plane of projection and observer,
और चौथा बात आपको ध्यान में ये रखना है कि क्वाड्रेंट क्या हो रहा है, क्वाड्रेंट बंद हो रहा है, क्वाड्रेंट देख लीजिए क्वाड्रेंट आपका बंद हो रहा है, क्वाड्रेंट क्लोजेस। चलिए तो ये आपका हम बेसिक बात आपको प्रोजेक्शंस के बारे में बता दिए। अगले क्लास में हम लोग प्रोजेक्शन और पॉइंट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को देखेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। ये इन सारे बात को आज जरूर ही नोट डाउन कीजिएगा, आपके सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट खैर तो है ही, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा इसरो या DRDO में एक दो क्वेश्चंस इन प्रोजेक्शंस के बेसिक पॉइंट से जरूर पूछता है। वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ को बताएं। पॉलिटेक्निक एकेडमी पटना का एक बहुत ही अच्छा कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ के हम एक टीचर हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, गुड लक।